तो मैं आज आपको तीन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप बेहतर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और तीन एप्लीकेशन जिससे आप बेहतर थंबनेल बना सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं जहां पर आपको एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाएगा कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, लेकिन मैं आपको वो एप्लीकेशन बताऊंगा जो मैं यूज करता था और करता हूं, क्योंकि इसका यूजिंग इंटरफेस ईजी है और बेहतर तरीके से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल। बस आपको अपना टाइम देना है और वीडियो एडिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है VN। VN बहुत बेहतर एप्लीकेशन है, आप इससे वीडियो एडिटिंग आसानी से कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट्स और रील्स टाइप की वीडियो बनाने के लिए बेहतर फंक्शन है। इसमें दो फंक्शन बहुत अच्छे हैं, एक स्लोमो जिसे आप बहुत बेहतर तरीके से स्लोमो कर सकते हैं, और दूसरा है रिवर्स। आप जब इसे वीडियो को किसी को रिवर्स करते हैं तब आपकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना इसमें कोई कलर चेंजिंग होता है। दूसरा काइनमास्टर बहुत ही ईजी टू यूज इंटरफेस है, आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें हर फंक्शन को एक अलग तरीके से सेट किया गया है ताकि आप ईजी तरीके से इसे यूज कर सकें और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो इस एप्लीकेशन को यूज करते समय। एक फंक्शन है जो पसंद नहीं है, जैसे कि आप कभी वीडियो को रिवर्स करना चाहते हैं, अगर आप वीडियो को रिवर्स करते हैं तो आपकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है और कलरिंग में भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप जब भी वीडियो को रिवर्स करना चाहें तो आप VN का यूज कर सकते हैं रिवर्स करने के लिए, अदरवाइज आपके लिए काइनमास्टर बहुत बेहतर हो सकता है। पहले नंबर पर आता है पावर डायरेक्टर को मैंने पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कुछ कंपनियां से ये टाइप है जिसके कारण आपको नॉन कॉपीराइट वीडियो उसी एप्लीकेशन में और नॉन कॉपीराइट म्यूजिक उसी एप्लीकेशन में मिल जाते हैं, और इसका भी फंक्शन एकदम हूबहू काइनमास्टर की तरह है। यूजिंग इंटरफेस और इसमें इफेक्ट भी बहुत सारे अच्छे हैं, तो आप इसे आसानी से ज़बरदस्त तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थंबनेल के बारे में। तो थंबनेल के लिए भी मैंने तीन एप्लीकेशन के बारे में सोचा है। अगर आप न्यू हैं और आपको उतना थंबनेल बनाने का आइडिया नहीं है तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। कैनवा में बहुत पहले से थंबनेल बहुत सारे लोग बना के रखते हैं, बस आपको उसे यूज करना है और उसमें आप अपनी पिक्चर को रिमूव करके अपने पिक्चर को पुट कीजिए और टाइटल लिख के उसे एक्सपोर्ट कर लीजिए और फिर थंबनेल बन गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको खुद क्रिएट करना चाहते हैं थंबनेल, तो आप यूज कर सकते हैं काइनमास्टर या पिक्सआर्ट बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से थंबनेल बना सकते हैं। बस ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से थंबनेल बना सकते हैं और क्या आइडिया है आपके दिमाग में, पर काइनमास्टर में भी उसी तरह आप बेहतर तरीके से थंबनेल बना सकते हैं। पहले नंबर पर आता है पिक्सल लैब। थोड़ा हार्ड यूज इंटरफेस है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड हैं जो आपको थोड़े देर टाइम लेकर ही समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप बहुत ही हाई क्वालिटी के थंबनेल और फोटो डिजाइन। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।